करीब 50 साल पहले साल 1972 में भिवानी के दीनदयाल गुप्ता जी ने भवानी टेक्सटाइल की स्थापना की और आज 83 साल की उम्र में दीनदयाल गुप्ता जी डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। डॉलर आज के समय में एक प्रसिद्ध नाम बन चुका है। हमारे देश में होजरी सेगमेंट में इनकी 15% की हिस्सेदारी है और डॉलर के प्रोडक्ट्स बाहर विदेशों में भी बेचे जाते हैं। श्री दीनदयाल गुप्ता जी जो भिवानी परिवार की आन बान और शान है, इनका जन्म 20 नवंबर 1942 को भिवानी के महानेरू गाँव में हुआ। डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका की कारोबार आज हजारों करोड़ रूपए में है, ये कंपनी BSE और NSE दोनों शेयर बाजार में लिस्टेड है और तिरुपुर के पास इनकी फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। डॉलर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट साइज स्टाइल और कलर्स कैटेगरी के मामले में पुरुषों महिलाओं और बच्चों की बदलती पसंद के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करने में सफल रहा है और इनके पास मेंस वियर वुमेन वियर किड्स वियर विंटर वियर की कैटेगरी में कई प्रोडक्ट्स हैं जो परिवार के हर सदस्य के लिए जरूरी हैं, जिसमें कि मेंस वियर प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार। डॉलर बिग बॉस बेटर बॉस। इसके अलावा डॉलर के मिस्सी सेगमेंट के लिए इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री सुश्री यामी गौतम जी। प्रेजेंटिंग डॉलर मिस्सी, अ रेंज ऑफ कूल ट्रेंडी लेगिंग्स। डॉलर मिस्सी लेगिंग्स, जमाना तो मुड़ेगा ही। आज डॉलर इंडस्ट्रीज देश विदेश में एक बड़ा नाम बन चुका है। बिजनेस में पूरे देश का नाम रोशन करने के साथ साथ श्री दीनदयाल गुप्ता जी कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। इन्होंने कोविड महामारी 19 के दौरान भी अपने ऑफिस के साथ साथ और लोगों के लिए भी फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं भिवानी की आन बान और शान श्री दीनदयाल गुप्ता जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय। डॉलर हम सब के लिए एक जाना पहचाना नाम और उसके डायरेक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं श्री दीनदयाल गुप्ता जी, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं। तो मैं भिवानी परिवार मंच की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो इनसे बातचीत करने आ रहे हैं आशीष जी अग्रवाल। ये जितनी भी वीडियो प्रेजेंटेशंस आप देख रहे हैं, जैसा कि राजेश भाई ने पहले बताया कि आशीष जी ने ही ये सब बनाई हैं, तो आशीष जी बातचीत करेंगे श्री दीनदयाल। हेलो हेलो। आज हमारे बीच बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच डॉलर कंपनी के मालिक दीनदयाल गुप्ता जी हैं। डॉलर जो कि ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है, भिवानी शहर से कलकत्ता शहर और उसके बाद पूरी दुनिया में डॉलर का नाम आपने किया है, भारत का नाम आपने किया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की, उन दिनों में कुछ इस तरीके से आपने भवानी टेक्सटाइल के नाम से कंपनी की शुरुआत की और फिर डॉलर इंडस्ट्रीज तक का आपका सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों से कुछ बताएं। यहाँ उपस्थित सभी भिवानी परिवार मैत्री संघ में जो पधारे हुए हैं, हमारे भाई बहनें बेटे बेटियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। राजेश भाई ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया, हम सबको जोड़ने का एक प्रोग्राम जो बनाया और जो विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं मैं इनको। इस तरह के कार्य और भी होते रहने चाहिए और आप सब इतनी संख्या में यहाँ पधारे हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्ते, प्रणाम। मेरी जो शुरुआत है, मैं तो गांव मानेरू से संबंध रखता हूँ। सन
1959 में मैंने मैट्रिक पास करके और 1962 में मैं कलकत्ता गया था। कलकत्ता जाने के बाद 2 साल मैंने सर्विस की है, और सर्विस के बाद 2 साल के बाद ही मैं ओजी लाइन्स में जुड़ गया था। अभी भाई क्या नाम आपका? आशीष अग्रवाल। आशीष जी, जो डॉलर की बात तो शुरू बताई, 1972 में मैंने एक कालिम्पोंग में एक फर्म है भवानी स्टोर कालिम्पोंग में, उनके साथ में पार्टनरशिप में काम किया था, तो उनकी दुकान का नाम भवानी स्टोर था, तो इसीलिए हमने भी नाम भवानी टेक्सटाइल रख लिया। ये शुरुआत 1972 से है, और कालिम्पोंग वालों के साथ में मेरा पार्टनरशिप 72 से लेकर 85 तक रहा है। सामान्य बिजनेस था, बहुत लंबा जुड़ा काम नहीं था, थोड़ा बहुत माल बना लेते थे, कुछ माल भी इधर उधर मध्य प्रदेश में या कालिम्पोंग में, सिलीगुड़ी में, आसाम में बेच लेते थे। तो जो जो मेरे परिवार, मेरे बेटे जो थे, 4 बेटे हैं और हम लोग 5 भाई हैं, तो बेटे जब पढ़ लिख करके जब तैयार हुए तब तो काल आ गया, 1985 का काल आ गया था। 1985 तक मेरे बच्चे पढ़ करके काम में भी आ गए थे, तो उस वक्त हमारी कुछ आपस में जो पार्टनरशिप चल रही थी उसमें कुछ व्यवधान आ गया। मेरा शुरू से ही उनको कहना था भाई जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, काम तो मैं करता हूँ, कमा संभालता मैं भी हूँ, उनका अपना अलग काम था, कपड़े का काम था, अर्थ का काम था, वो अपना करते थे। मेरे काम में जब कोई बाधा डालेगा पूछो, जो कुछ पूछना है सामने बैठ करके पूछो, ये काम कैसे हो रहा है, किसको दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं। तो उसके बाद कुछ एक पार्टनर ने कुछ ऐसी कुछ बात कह दी जिसके कारण मैंने वो काम ड्रॉप करना पड़ा, रोकना पड़ा। अरे ये मैंने पहले ही कह दिया गया था, इस तरह का कोई बात आएगी तो मैं काम आगे नहीं कर पाऊंगा। तो वो काम 85 में हमने रोका। जब मैंने ये सब कहे उनको तो उनके मन में कुछ लगा, ये काम ठीक नहीं हो रहा है, काम रुकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा भी हमारी गलती है, हम इसको वापस लेते हैं बात को, आप काम चलाइए। हम कहा नहीं, जो बात एक बार गांठ जो पड़ गई धागे में, अगर गांठ अगर पड़ जाती है तो गांठ ही रह जाती है वो, तो दिलों में ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए। आपका हमारा प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए, कोई अर्जा नहीं है। ये काम आप लोग संभाल सकते हो तो आप संभाल लो, मैं तो नई गिनती शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर्य समाज से बिलोंग करता हूं मैं, मैंने स्वामी दयानंद का अनुयायी हूं मैं, वेदों का अनुयायी हूं मैं, वेदों में जो हमको जो लिखा है समो मनासी जानताम देवा भागा में था पूर्वे संजाना न उपास थे, मिलकर के चले, मिलकर बात कर रहे, मिलकर के अपने मनों को एक बनाए। तो मैं तो मेरी आत्मा में बल है, नई गिनती शुरू कर लेंगे, आप संभाल लो इसको। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो नहीं संभाल पाएंगे, इतना लंबा काम है, लंबा चौड़ा राजस्थान में है, बाल उधार में बिकता है, कौन पैसे लेके आएगा, तो काम तो आपको ही संभालना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो पूंजी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, उन लोगों को समय लगेगा। उन्होंने कहा कोई अर्जा नहीं है, समय जो लगे आप इसको संभालो करो, क्योंकि मेरे बेटे तैयार हो गए थे। एक तो सीए है जो 4 प्रांतों में 3रा नंबर आया था, सबसे बड़ा लड़का विनोद है, तो उस वक्त सीए कर चुका था, और सीए का उसने अपना ऑफिस भी खोल लिया था। तो मैंने कहा भी काम हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन जो भवानी टेक्सटाइल वही नाम चलता आ रहा था, जो पार्टनरशिप में था वही नाम रखा हमने, उसी को चलाया। और आज जो स्थिति है अब देख रहे हैं, ये पूरे भारत में कोई कोना बाकी नहीं है, भारत के बाहर माल जा रहा है, ये सब मेरे परिवार, मेरे बेटों की लगन, उनकी मेहनत, उनका परिणाम है ये। मैं तो छोटा मोटा काम करता था मामूली, लेकिन आज ये बच्चों ने इतना काम बढ़ाया है, अब डॉलर का जो नाम किया उन्होंने,
उन्होंने किया, ठीक है, शुरुआत मैंने की है, नींव मैंने की है, लेकिन बढ़ाने में पूरा काम उनका है। बिल्कुल, भिवानी में वैसे भी परिवार और परिवारवाद और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। पिछले 60 साल में आपने बिजनेस का पूरा परिवेश बदलते देखा है। आप लोगों ने जब शुरू किया उस समय ऑनलाइन नहीं होता था, बाहर जाना बहुत कठिन होता था, आज डॉलर हिंदुस्तान में भी है, ऑनलाइन भी मिलता है, बाहर भी जा रहा है, तो पिछले 60 सालों में आपने क्या अनुभव किया है कि व्यवसाय किस तरीके से बदला है? देखिए, व्यवसाय के तरीके तो बदलते रहते हैं। पहले हम लोग गाँव में रहते थे, बहुत से आदमी गाँव में ही रहे हैं, गाँव से आए हुए हैं सभी। गाँव की जिंदगी अलग होती है, शहर में आकर के जिंदगी कुछ बदल जाती है, समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। आज जिस तरह टेक्निक बदल रही है उसी तरह व्यापार का तरीका बदल रहा है। पहले आदमी जितनी पूंजी घर में होती थी उतना ही काम करते थे लोग, और आज बैंकों की सुविधा, गवर्नमेंट की सुविधा इतनी बढ़ गई है ज़्यादा, तो आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप 1000 रुपया काम कर सकते हैं आराम से। अगर लगन, आपकी लगन है, आपकी ईमानदारी है, आप में काम करने का जज्बा है। अभी जो बता रहे ना भाई साहब, वो लक्ष्य क्या देती है, लक्ष्य, आदमी का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। मैं जब घर से निकला था, मेरे पिताजी ने कहा था, तुम बाहर क्यों जा रहे हो, क्या क्या तुम यहाँ खाने को नहीं मिलता, पढ़ने रहने को नहीं मिलता, क्या क्या तकलीफ है तुमको? मैंने नहीं, दुनिया देखनी है, दुनिया देखनी है मन का, इसलिए मैं ज़बरदस्ती घर से निकला था। घर से 100 रुपये लेकर के, सिर्फ 100 रुपये गिराए के लेकर निकला, और आज ईमानदारी के बल पर और एक नक्शे में निर्धारित हर एक हम लोग व्यापार करते हैं। अभी भाई साहब अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, इनको तो मैं कई बार, हमारी एम्पायर में इनकी गाड़ियाँ आती रहती है, तो इनका चेहरा आज वो भी उस गाड़ियों में है इनका। तो हर एक आदमी का जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है, टारगेट लेकर चलते हैं। जिस तरह हमारे बेटे बाहर जाकर कॉन्फ्रेंस करते हैं, दुनिया में कोई कोना छोड़ा नहीं है उन्होंने, और एक टारगेट लेकर चलते हैं, ये हमारी सेल इतनी है, अगले साल हमको इतनी परसेंट बढ़ानी है, और वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्यों? लोगों का कोऑपरेशन मिलता है, आदमी में अगर काम को कुछ करने का जज्बा होता है, कुछ ईमानदारी होती है, कुछ लक्ष्य होता है जीवन में। अभी भाई साहब कह रहे थे आदमी में क्या क्या होना चाहिए, पंचुअलिटी होनी चाहिए। जो आदमी शरीर से फिट रहेगा, शरीर से स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ कैसे रहेगा, जो आदमी समय से उठेगा, समय से उठ करके कसरत व्यायाम करेगा, परमात्मा का की उपासना करेगा। आत्मा में बल क्यों कैसे आएगा, परमात्मा की उपासना से। और वहाँ आदमी जो कहता वही करे, ये नहीं कि मैं आज जो कहता उससे अलग नहीं, जो कहता वही करे, और ईमानदारी से काम करे, और आप लक्ष्य निर्धारित करके चलेगा तो दुनिया में वो आगे बढ़ता जाएगा। ये नियम है दुनिया का। 80 साल की उम्र में परमात्मा भी उन्हीं का साथ देता है, परमात्मा भी साथ देता है उनका, जो लक्ष्य लेकर चलते हैं उनका। बिल्कुल, 80 साल की उम्र में दीनदयाल जी की बुलंद आवाज़ आज हमारे रोंगटे खड़े कर रही है। आज के समय में हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो सबसे पहला चीज़ तो यही सीखना चाहूँगा कि उस उम्र में भी इतनी बुलंद आवाज़ का राज क्या है? देखिए, बुलंद आवाज़ का तो मेरी दिनचर्या, सुबह 4:30 बजे उठता हूँ मैं, 4:30 बजे उठ करके सोच इत्यादि से निवृत्त होकर के आधा घंटा ध्यान में बैठता हूँ, परमात्मा के ध्यान में। उस वक्त मेरे को और कुछ याद नहीं रहता, परमात्मा की उपासना करते हैं हम, और सभी करते होंगे, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हम सब कुछ दिया। आज जो हम देख रहे हैं, ये सब कुछ अन्न है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, समुद्र है, खान पान की सामग्री जितनी है, कौन दे रहा है? ये परमात्मा दे रहा है। वो परमात्मा को कभी भी उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। आज कोई आदमी थोड़ा सा भी उपकार कर देता है हमारा, कोई पानी पिला देता है, कोई रास्ता पार करा देता है, कोई गिरी हुई चीज़ को उठा के देता है, तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो परमात्मा इतनी बड़ी सब कुछ दिया है हमने, परमात्मा ने, तो उसको धन्यवाद तो करना चाहिए। बिल्कुल, जरूर करना चाहिए। तो आर्य समाज लोग सभी संध्या करते हैं, संध्या में परमात्मा की उपासना है, वो करनी चाहिए, उससे आत्मा में बल मिलता है। बिल्कुल,
आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, भिवानी परिवार में आपके सभी बच्चे हैं, हाँ। तो इनके लिए क्या संदेश है भिवानी परिवार मैत्री संघ के लोगों के लिए? देखिए, यहाँ तो संदेश बहुत कुछ दिया जा चुका है, अग्रवाल ने दिया है, राजेश भाई ने दिया है, और भी तुम भूतों ने दिया है भाई। ये काम करने से इस तरह होती है, उनका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, समय पर काम करें, समय पर आपस में मिल करके। देखिए, सबसे बड़ा गुरु ये है, हर एक आदमी की सहन शक्ति ठीक होनी चाहिए। आज परिवारों में परिवार क्यों टूट रहे हैं? सहन शक्ति खत्म हो रही है। तो सहन शक्ति होनी चाहिए। हम तो 9 भाई बहन हैं। दो भाई बैठे हैं यहाँ पर, उनका परिवार बैठा हुआ है। तो मैं भाइयों को लेकर कब साहब चल रहा हूँ। हमारे काम बिजनेस में ये प्रमोद बैठा दिल्ली का काम संभालता है, वो भाई रमेश बैठा हुआ वो पूरे हरियाणा का काम संभालता है, पूरे परिवार हमारा इकट्ठा है, इकट्ठा लेकर चलते हैं। तो आदमी को सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई भाई को गलत कर देता है, कोई आदमी गलत व्यवहार कर लेता है, तो उसको समझाइए आप भाई, ये ठीक नहीं है, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो सहन शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। जिस आदमी में सहन शक्ति नहीं है, वो कभी जीवन में सफल नहीं होगा। तो आज दीनदयाल जी ने हमें सफलता के मंत्र बताए। सबसे पहला, परिवार को साथ लेकर चलो, परिवार को कभी टूटने मत दो, सहन शक्ति रखें, दूसरे को क्षमा करने की अपने अंदर हम लोग हिम्मत रखें कि हम दूसरे को क्षमा कर सकें, और सबसे जरूरी डिसिप्लिन। और इन्हीं के साथ डॉलर आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक बड़ा नाम है। भिवानी परिवार का नाम रोशन करने वाले दीनदयाल गुप्ता जी को बहुत बहुत नमन। एक मिनट और कहूँगा मैं। हाँ, जरूर सर, जरूर। हम लोग सारे व्यापारी बैठे हुए हैं, हम लोग एक, एक जो कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज दान में लगनी चाहिए। जो आदमी दान करता रहता है, उसकी धन हमेशा बढ़ता रहता है। किसी रूप में आप लगाए, अच्छे कामों में लगाइए, गलत काम में नहीं, अच्छे कामों में दान देते रहिए कुछ परसेंटेज। मेरा तो बहुत सा कलकत्ता में बहुत से बंगाली दोस्त हैं। एक बंगाली मेरे साथ बैठता था, घूमते मार्केट में, सुबह हम लोग बैठते थे, तो वो मेरे को बोला, एकटा कोथा बोलबो, मैंने कही एक बात कहूँ, मैं बोलूँ, तुम वो तो दान कर, तुम्हारा छेले किसी बोलते ना, तुम दान जो कर रहे हो तुम्हारे बेटे बोलते नहीं है? तुमने कहा बेटे बोलेंगे क्यों? मैंने एक परसेंटेज नियत कर रखा है, जो हम कमाते हैं उसमें इतनी परसेंटेज अलग कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, उसको फिर तकलीफ होने का सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल, वो अपनी नहीं है, वो अलग कर देते हैं, उसको दान में लगाइए, और कुछ परसेंटेज आप एक्स्ट्रा रखिए। काम बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तरीके 4 भागों में बांट दीजिए, कुछ भाग आप दान करिए, कुछ आपका रिजर्व रखिए, आपत विपत्ति आती रहती हैं, कुछ रिजर्व रखिए, और अपने काम में जितनी जरूरत है उतना काम को बढ़ाएंगे। लेन देन आपका साफ होना चाहिए, जिस हाथ से देते हैं उस हाथ से लेना चाहिए। आपका अगर लेन देन में फर्क है तो कभी सक्सेस नहीं होंगे कभी भी। आदमी व्यवहार ठीक होना चाहिए, लेन देन ठीक होना चाहिए, उसकी बात एक होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। जो आदमी तो तरक्की करना चाहता है, उसके आदमी घर भी आदमी सच्चा है, ये होनी चाहिए। सच्चे आदमी का हमेशा जीत होती है, दूसरे की भी जीत होती है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग खड़े होकर इनको स्टैंडिंग ओवेशन दें, सभी लोग। अपने लंबे जीवन के अनुभवों का निचोड़ उन्होंने हमारे सामने रखा दीनदयाल जी ने।